यार बाब, मैं उसको कॉन्फिडेंस देता हूँ बहुत सारी चीज़ों में जिसमें वो डर रहा होता है। जैसे मैं सिंपली आपको बताऊँ कि मेरा बड़ा बेटा है, उसमें कुछ चीज़ें ना बहुत स्लो हैं। जिस तरीके से अगर हम मैं उसको कहता हूँ कि यार चलो आप खेलते हैं, हम लोग फाइट कर रहे होते हैं सर, तो मैं उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल देता हूँ ना, तो वो ठंडा हो जाता है। उसके दिल में एक खौफ ही रखना है कि हार्ड लाइफ अहेड ऑफ हिम एंड ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाजू का ये होता है कि भाई मदर जो होती है उनकी मना करती है कि भाई यहाँ नहीं जाना, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई मूड सही नहीं है इनका, तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं सुल्तान को हैंडल करके कहीं ले जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स के लिए उसी तरीके से उसी मोहब्बत के साथ मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़ के, दादी आई हैं तो उनके जूते भी उतारते हैं मेरे बच्चे, उनको बिठाते हैं घर में ला के, उनके लिए पानी लेकर आते हैं, उनको खा रात में उनसे कहानी सुन रहे। तो मैं एक बेटा मेरा उनके पाँव दबा रहा होता है, एक सर दबा रहा होता है, जो मुझे वो करते हुए देखते आए वो मेरे बच्चे भी वो करते हैं। जिस तरह हम अपने माँ बाप के साथ हम अपने माँ बाप की केयर करते हैं, अपनी माँ बाप की एक आवाज़ पर भागे भागे जाते हैं, इसी तरह मैंने अपनी औलाद को भी बताया कि दादा दादी का क्या रोल है, नाना नानी का क्या रोल है। तो वहाँ जब वो गया पार्क में तो ऑस्ट्रिच उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो बेटे ये ऑस्ट्रिच है, एक बिग बर्ड है। तो वो देखने के बाद वो अपनी मदर अपनी मामा की गोद से फौरन से आके बाबा मुझे ले लें गोद में फौरन से आके, तो वो एक फीलिंग बहुत ज़बरदस्त थी कि ये देखें यार एक नई चीज़ इसने देखी जिसको देख के वो घबरा रहा है, तो उसको इसके ध्यान में ये कि यार ये सेफ कर सकते हैं मुझे माँ से ज़्यादा। लास्ट ईयर वाइफ बीमार हुई थी तो बच्ची की सब देखभाल मुझे ही करनी, रात को उठ उठ के उसको वॉशरूम लेके आना, यहाँ तक करना पड़ता था। जो भी होगा तो मैं उसे अपने साथ लेकर आऊँगा, उसको मैं बॉल कराऊंगा, विल बॉल फेस करेगा। मेरा बेटा डिट्टो छापता है मुझे हर चीज़ में, मतलब यू नो अपने छोटे बहन भाई को डांटता भी मेरे स्टाइल में। और मेरे वाले साहब का तो इंतकाल भी खैर मेरी शादी से तकरीबन चार दिन पहले हुआ है। यार अगर खुद बेड पे थे और वो हर चीज़ का पूछना कि यार ये इसका काम क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एंड तक वो सारी तैयारी मेरी करवा के गए। अच्छा अभी मैं उसको बोलता हूँ, हम बड़े वाले को मैं बोलता हूँ हम दोस्त नहीं है, हाँ मैंने अभी मैं तुम्हारा बात यू हैव टू डू वेल इन स्कूल, हाँ हम दोस्त बनेंगे टाइम आएगा, नमाज का वक्त हो गया ऐसा कुछ नहीं, वो गुजरते हमें बोलते थे भाई नमाज का वक्त हो गया और चले जाते थे, तो हम ऑटोमेटिकली उनके पीछे पीछे चले जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, हमें कोई कभी लाइफ में उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया।